गुड मॉर्निंग एस डी टी वी स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। सो स्टूडेंट्स, इन आवर टूडेज क्लास वी विल रिवाइज एंड लर्न चैप्टर 4 नाउन फॉर आवर यूनिट टेस्ट। सो अपने यूनिट टेस्ट के लिए हमें क्या है, अपने चैप्टर 4 का आज रिवीजन करना है और उसे लर्न करना है। स्टूडेंट्स, आपके यूनिट टेस्ट अब शुरू होने वाले हैं, इसलिए अब हम क्या है अपना रिवीजन वर्क करेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। सो नाउन, नाउन्स क्या है, नेमिंग वर्ड्स। किसी भी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का कोई भी नेम है वो क्या है, नाउन। सो टाइप्स ऑफ नाउन क्या है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन में क्या है स्टूडेंट्स, दीज आर नेम्स दैट आर कॉमन टू ऑल ऑफ काइंड, कि जो सभी के लिए कॉमन है वो क्या है, कॉमन नाउन। गर्ल, डॉक्टर, ट्री, कैट, बर्ड, सो ये सभी नेम्स क्या है, कॉमन है। प्रॉपर नाउन, स्पेशल नेमिंग वर्ड्स। सो प्रॉपर क्या है, जब हम किसी स्पेशल किसी का नेम लेते हैं तो दीज आर नेम्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। जब हम किसी पर्टिकुलर एक जगह का या किसी पर्सन का नेम लेते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, नर्मदा रिवर, जॉनी, गीता, दिल्ली, दुर्गापुर एक्सेट्रा। मटीरियल नाउन्स, नेम्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक मटीरियल, सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट। सो वो क्या होते हैं, मटेरियल नाउन्स, जिसमें क्या है, हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं, जैसे प्लास्टिक, वुड, गोल्ड, मिल्क, वाटर, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन, दीज आर नेम्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। सो कलेक्टिव नाउन में हम क्या है, ग्रुप्स की बात करेंगे, जिसमें क्या होंगे, सभी पर्सन सेम होंगे, कोई प्लेस होगा, कोई थिंग्स होगी। सो क्या है, फॉर एग्जांपल, हर्ड, आर्मी, पैक, क्राउड, गैंग। सो स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर में क्या करना है, इन सभी को अच्छे से रिवाइज करना है और लर्न करना है। नेक्स्ट हमें लर्न करना है स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न सम मोर कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स कौन कौन से हैं, बेयर, कैट, गेम, गर्ल, वुमेन डॉक्टर, कॉबलर, ड्राइवर, स्टूडेंट, टीचर, स्पोर्ट्स, स्कूल। सो इस तरह से ये सभी क्या हैं, कॉमन नाउन्स है। अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस। सो इन सेंटेंसेस को रीड आउट करना है आपको, और उसमें जो भी कॉमन नाउन आपको मिले उसे आपको अंडरलाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड्स वर सिटिंग इन अ नेस्ट इन अ ट्री। सो इस सेंटेंस में क्या है, बर्ड्स, नेस्ट और ट्री, ये सभी क्या है, कॉमन नाउन है। सो इन्हें आपको क्या है, अंडरलाइन करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी सेंटेंसेस को भी आपको रीड करना है और प्रैक्टिस करनी है। प्रॉपर नाउन, गंगा, रिवर, किटी, रश्मि, सुशीला कुमारी। सो ये सभी क्या है, प्लेसेस के और पर्संस के नाम दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर नाउन्स, यूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमें क्या गया है, दिया गया है, इस बॉक्स में हमें प्रॉपर नाउन्स दिए गए हैं जिन्हें हमें सेंटेंसेस को रीड करके उसमें फिल करना है। फॉर एग्जांपल, डैश पिक्ड अप लीव्स फ्रॉम द ग्रास। सो कौन पिक कर रहा है पत्तों को घास से, कपिल। मदर टुक माय ब्रदर टू डैश। सो मदर ब्रदर को कहाँ ले जा रही है, डॉक्टर टेकरीवाल। ओके स्टूडेंट्स, सो इन सभी सेंटेंसेस को रीड करना है और लर्न करना है। लेट अस लर्न सम मोर मटेरियल नाउन्स, कॉपर, सैंड, आयरन, प्लास्टिक, रबर, साल्ट, पेपर, सिल्वर, शुगर, वुड। सो ये सभी क्या हैं, मटेरियल नाउन्स हैं। आगे इसमें इसकी प्रैक्टिस दी गई है, द डोर इज मेड ऑफ वुड। सो इसमें मटेरियल नाउन क्या है, वुड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, सम कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स में क्या होते हैं, ग्रुप्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, पैक ऑफ कार्ड्स, बंच ऑफ कीज, हर्ड ऑफ काउज, शॉल ऑफ फिश, फिश, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, और दिए गए हैं ये सभी, इनको आपको रीड आउट करना है और लर्न करना है। नेक्स्ट में हमें क्या है, कलेक्टिव नाउन्स को फिल करना है इस बॉक्स में से लेके। द डैश टीम वॉज आस्क टू वियर ग्रीन शर्ट्स। द टीम, वन काउ वॉज लेफ्ट आउट ऑफ द हर्ड। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर को दोबारा से रीड आउट करके अच्छे से इन सभी की
प्रैक्टिस करनी है और इन्हें लर्न करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.